अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें हम बात करेंगे DHCP स्नूपिंग की। DHCP स्नूपिंग की बात करेंगे हम कि सिस्को के स्विच पे हम DHCP स्नूपिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो दोस्तों, DHCP स्नूपिंग इसलिए इस्तेमाल की जाती है टर्म कि अगर आपके नेटवर्क पे एक आपका DHCP सर्वर चल रहा है, ठीक है, और वो DHCP सर्वर है जो आपने अपने नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किया है, जो कि ऑटोमेटिकली सबको IPs ऑफ़र करता है या सर्व करता है, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करें कोई अपना DHCP सर्वर किसी सिस्टम पे चला देता है, या कोई सर्वर ला के प्लग कर देता है, या अपने सिस्टम पे DHCP सर्वर का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल इंस्टॉल कर देता है, और उसके बाद वो चाहता है कि IP फिर उसके नेटवर्क से लोगों को मिले बजाय आपके सेंट्रल नेटवर्क के। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम DHCP स्नूपिंग ऑन करते हैं कि आपका जो रजिस्टर्ड या सेंट्रल DHCP सर्वर है उसके अलावा कोई और DHCP सर्वर अपना ना चलाना शुरू कर दे या स्टार्ट कर दे। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हम DHCP स्नूपिंग सिस्को के iOS पे, यानी कि सिस्को के स्विचेस पे हम ऑन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पूरी इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। इसमें चंद कमांड्स हैं जो सिर्फ मैं आपको चलाना सिखाऊंगा, बाकी जो फर्दर जो इसकी डिटेल में चीज़ें हैं वो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हम सिर्फ इसमें DHCP स्नूपिंग की करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि DHCP स्नूपिंग कैसे काम करती है और इसको कन्फिगर कैसे किया जाता है, ठीक है। अच्छा, याद रहे कि इसमें मैंने दो सिस्टम इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। एक सिस्टम उसमें जो है उस पर दो लैन कार्ड हैं, ठीक है। एक लैन कार्ड उसका एज अ क्लाइंट काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरे सिस्टम पे जो दूसरा सिस्टम है वो भी DHCP सर्वर है, और जो दूसरा सिस्टम है जिसके साथ दो लैन कार्ड हैं उसमें से एक लैन कार्ड जो है वो DHCP सर्वर के लिए यूज़ हो रहा है और एक सिस्टम स्टैंड अलोन है, और उसमें जो दूसरा लैन कार्ड है दूसरे सिस्टम का वो एज अ क्लाइंट यूज़ हो रहा है। यानी कि दो DHCP सर्वर चल रहे हैं और जो एक है उसमें वो तीसरा क्लाइंट है। तो उसमें हमने क्या किया है, जिसमें दो लैन कार्ड हैं उसके एक लैन कार्ड को हमने DHCP सर्वर बना दिया और दूसरे लैन कार्ड को एज अ हम क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि कौन सा PC1 है, कौन सा 2 है, और किस पे दो लैन कार्ड लगे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि DHCP स्नूपिंग को प्रॉपरली कैसे कन्फिगर किया जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए कि इस वीडियो में जो है हमने एक DHCP सर्वर यूज़ किया है, जो सर्वर 1 है इसके अंदर हमने सिंगल लैन कार्ड लगा हुआ है, और जो PC2 है यानी कि DHCP सर्वर 2 है इसमें दो लैन कार्ड लगे हैं, एक हम एज अ क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं और एक हम एज अ सर्वर यूज़ कर रहे हैं, और एक हमने 3750 POEG स्विच इस्तेमाल किया है, ठीक है, और एक DHCP सर्वर का सॉफ्टवेयर है जो कि दोनों DHCP सर्वर के ऊपर यूज़ किया हुआ है और इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा ये। दोस्तों, हम ये आ गए हैं PC1 पे, ठीक है। ये PC1 वही PC1 है जिस पे सिंगल लैन कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो आइए हम स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, ये लिखा हुआ भी आपको मैंने दिखाया है कि PC2 पे जो एक लैन कार्ड है, जो लैन कार्ड 1 है वो स्विच के पोर्ट 2 पे लगा हुआ है, और लैन कार्ड 2 जो है वो पोर्ट 18 पे लगा हुआ है, और पोर्ट 11 पे जो है जिस PC पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ ये उसका लैन कार्ड है, इसलिए मैंने दिस PC लिखा हुआ है, ठीक है। तो DHCP स्नूपिंग में शो IP DHCP स्नूपिंग की कमांड चला के देख रहा हूँ, तो अभी ये देखें डिसेबल दिखा रहा है, ठीक है। हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं।
पहले तो हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके सिंपल आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग ऑन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है हमने इसको पर्टिकुलर पोर्ट पे जिस पे हम डीएचसीपी स्नूपिंग ऑन करना चाह रहे हैं उसके ऊपर ऑन करना पड़ेगा। और हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कौन से वीलैन के लिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 होता है, तो हम कौन से वीलैन के लिए हम डीएचसीपी स्नूपिंग ऑन कर रहे हैं, ठीक है। और ये दिखा रहा है कि कितने वीलैन के ऊपर डीएचसीपी स्नूपिंग लग सकती है, यानी कितने वीलैन हम ऐड कर सकते हैं। तो 4094 जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन की कमांड लगाते हैं, इससे ऑप्शन 82 जो है वो खुल जाता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंसर्शन ऑफ ऑपरेशन 2 इज़ इनेबल, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वीलैन एमओडी पोर्ट और रिमोट आईडी ये लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अब हम एक पर्टिकुलर पोर्ट पे जाके जो है इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एक दफ़ा इंटरफेस, ये सारे अप हैं, ठीक है। पोर्ट 18 पे जैसे पीसी 2 का लैंड 2 लगा हुआ है, और 11 पे ये जो पीसी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो लगा हुआ है, और लैंड 1 पे जो है पीसी 2 का लैंड 1 लगा हुआ है, जो कि एज अ डीएचसीपी सर्वर यूज़ हो रहा है। अच्छा याद रहे, जिस पोर्ट पे हम डीएचसीपी सर्वर की सर्विसेज थ्रू करना चाह रहे हैं, यानी जिस लैन के ज़रिए हम डीएचसीपी सर्वर की सर्विसेज थ्रू करना चाह रहे हैं उसके ऊपर स्टैटिक आईपी डलेगी, मस्ट स्टैटिक आईपी डलेगी, ठीक है। अब हम इस वक्त आ गए हैं पोर्ट 11 पे, ठीक है। यानी कि ये कौन सा पीसी है जिस पे हम बैठे हैं, इस पीसी की बात हो रही है, पोर्ट 11 यानी कि जिस पीसी पे हम बैठे हैं, ठीक है। इस पे मैं लगा देता हूँ डीएचसीपी स्नूपिंग ट्रस्ट, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पीसी है ये ट्रस्टेड, इसका जो इस पे जो डीएचसीपी चल रहा है वो ट्रस्टेड है, ठीक है। ये जस्ट मैं कमांड्स चला के देख रहा हूँ एक, इसमें कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं। तो इसमें मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा, कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने करनी थी वो मैंने कर दी, ठीक है दोस्तों। ये जस्ट मैं कमांड्स चला के देख रहा हूँ कि आईपी डीएचसीपी के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती हैं। अभी जो चीज़ पीसी 2 के ऊपर हो रही है वो मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा, वो मैं नेक्स्ट स्क्रीन जो इसके साथ फ़ौरन जो पीसी 1 के साथ जो भी काम चल रहा है दूसरे पीसी पे पीसी 2 के ऊपर उसकी स्क्रीन में अभी आपको शो कराऊंगा इसके बाद। तो देखिए इस सर्वर ने जो है
पीसी टू को, यानी कि जो पोर्ट 18 पे लैन कार्ड टू लगा हुआ है, इस पोर्ट 11 पे जो ये वाला पीसी लगा हुआ है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, इसने आईपी थ्रू की है उसके लैन कार्ड टू पे, यानी कि पीसी टू के लैन कार्ड टू पे आईपी थ्रू की है। तो देखें उसने आईपी उठाई है 172.16.1.11, ठीक है दोस्तों। अभी यही चीज़ मैं चेंज कर दूंगा आगे जाके, मैं डीएससीपी सर्वर बना दूंगा पीसी टू को, फिर वो आईपी जो उठाएगा वो ये, फिर ये वाला पीसी जो पोर्ट 11 पे लगा हुआ है ये आईपी उठाएगा उस सर्वर से, ठीक है। अब मैं इसको नेगेट कर रहा हूँ, यानी कि नो कर रहा हूँ। अब यही काम मैं पोर्ट 18 पे कर दूँगा, सॉरी पोर्ट 1.2 के ऊपर कर दूँगा, 101/0/2 के ऊपर कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। ये देखें इसने दूसरे पीसी को एक आईपी असाइन की हुई है, ये जो डीएससीपी सर्वर मैंने इंस्टॉल किया है, ये जो इसकी विजर्ड चलाई थी, तो ये उसका एक वेब पेज है जिस पर दिखाता है कि इसने कौन कौन से पीसी को आईपी असाइन की हुई है, तो वो यहाँ शो करता है सारा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं पीसी टू के ऊपर, ठीक है। अब पीसी टू पे जो आधा काम हमने वहाँ किया था वो मैं अब दिखा रहा हूँ, वो काम इसके साथ साथ ही चल रहा था, लेकिन जाहिर है कि मैं एक वक्त में मैं आपको एक स्क्रीन दिखा सकता हूँ। तो इस पे देखें जो उस वाले सर्वर से आईपी आ रही थी, या वो वाला सर्वर जो आईपी सर्व कर रहा था वो उसी नेटवर्क की आ गई 172 वाली, ठीक है। ये देख लें 172.16.0.1.11, ठीक है। अब मैंने जो है वहाँ से जो मैंने कमांड चलाई थी, यानी कि जो अभी जिस पीसी पे हम बैठे हुए हैं पीसी टू पे, इसको मैंने अब डीएससीपी सर्वर बना दिए, तो अब क्या है आईपी उठा रहा है ये 192.168.1.12, क्योंकि मैंने इस सर्वर के ऊपर ये वाली स्कीम जो है चलाई हुई थी, ठीक है। तो अब जो उस वाला वो वाला सर्वर था उसकी मैंने पोर्ट को अनट्रस्टेड में डाल दिया। अब ये देखें कि इसमें शो कर रहा है कि एक आईपी उस पीसी को मिल रही है, 11 मिल रही है, फिर 12 इसी पीसी को मिल रही है जिस पर हम बैठे हुए हैं, और 13 जो है ये मेरा पीसी 3 है जो मैंने बाद में ऐड किया था उसको मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो डीएससीपी स्नूपिंग में आपने देखा कि एक वक्त में एक सर्वर जो है वो आईपी सर्व कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो इंशाल्लाह और मैं सिस्को के आईओएस पे डिफरेंट सिनेरियोस पे वीडियो बनाऊंगा। इसमें एडवांटेज है कि सिर्फ आपको एज ये मिल रहा है कि ज़्यादातर लोग पैकेट ट्रेसर पर काम करते हैं, लेकिन मैं रियल इक्विपमेंट पे आपको करके दिखा रहा हूँ।
ये एमुलेटर भी नहीं है, सिमुलेटर भी नहीं है, ये रियल स्विच है। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।